channel. I am Arya and you're with Ganguly's Cricket Googly. सबसे पहले तो आप सबको आज 15 अगस्त में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. बट ये इंडिपेंडेंस डे एक तरीके से हमारे लिए सदमे का भी रहा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है. ब्रेकिंग न्यूज हमारे दिल को तोड़ के चला गया बॉस. ऐसी इमोशनल मैंने आज तक कभी नहीं हुआ था, आज पहली बार हो रहा हूं. ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि अपने अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा. और इसी के साथ साथ MS धोनी यानी कि एक एरा 2004 से शुरू हुई थी और 2019 में आके खत्म हुई. तो और आपको याद होगा कि मैं अगर उनकी छोटी सी बात कहूं कि जब वो डेब्यू किए थे अगेंस्ट बांग्लादेश, तब भी उन्होंने रनआउट के साथ डेब्यू किया था. और जब अपना आखिरी मैच खेला उन्होंने अपने मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां पर भी उन्होंने सेमीफाइनल में रनआउट के साथ ही अलविदा कहा. और उससे पहले ही एमएस धोनी ने कह दिया था बखूबी कि हम इसके बाद और वर्ल्ड क्रिकेट नहीं खेलेंगे. और हालांकि तब भी एक कश्मकश थी, एक साल से ये डिबेट चल रही थी एमएस धोनी की रिटायरमेंट. बट एट लास्ट एमएस धोनी ने अपने आप की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं. और आज वो दिन 15 अगस्त 2020 हमारे दिल से कभी भुलाए नहीं भूलेंगे, क्योंकि एमएस धोनी आज के दिन रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया. और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है बॉस. मैं अपने दिल से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका हूं, बट आपको एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा हूं ऑन कैमरा. क्या ये बात तो क्या ही कहे, लेकिन ये एमएस धोनी को मैं इसलिए अपने मन की मानी कह रहा हूं. जब वो पहला रिटायरमेंट लिए थे टेस्ट क्रिकेट से 2014, उसमें भी बिना किसी फेयरवेल के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बस ऐसे ही ले लिए थे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी. बल्कि जब T20 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया 2016 या 17 में, कानो कान किसी को खबर नहीं कि एमएस धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया. और आई थिंक रात 12 बजे उनकी एक ट्वीट आई कि एमएस धोनी ने वर्ल्ड क्रिकेट से T20 वर्ल्ड क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया यार. और फिर से वही चीज आज भी किया. नो अनाउंसमेंट, नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, नो प्रेस मीटिंग, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो फेयरवेल गेम. सीधा सीधा शाम को, अभी यार अभी 2 घंटे पहले खबर आती है, 2 घंटे पहले छोटी सी ट्वीट हो गई. आर अश्विन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने ट्वीट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडिया टुडे में, स्पोर्ट्स तक, आज तक, सब में ये चीज वायरल हो गया. और एमएस धोनी की रिटायरमेंट बहुत बड़ी सदमा है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट फैंस के लिए. हालांकि ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं, दो चीजें कह सकते हैं. एक, वर्ल्ड क्रिकेट शुड गो ऑन. दूसरी बात यह है कि शायद एमएस धोनी ने इससे पहले ही अनाउंसमेंट से पहले बीसीसीआई को, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को और विराट कोहली के साथ साथ हेड कोच रवि शास्त्री को भी ये चीजें बता दी गई थी. शायद ये इन्फॉर्मेशन पहले ही थी और एमएस धोनी की प्लानिंग के बारे में, हालांकि हम सब जानते हैं कि एमएस धोनी की कोई फिक्स प्लानिंग नहीं होती है. एमएस धोनी जो सोचते हैं वही करते हैं, जब मन में आता है तभी करते हैं. तो एमएस धोनी को हम ना आप समझ सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, ना विराट कोहली, ना रवि शास्त्री, उन्हें कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो अपने मन के मालिक है. उनको जो मन में आएगा वो करेगा. और वो आज फिर से साबित कर दिया है कि ही इज द बॉस ऑफ द यूनिवर्स. हालांकि हम कहते हैं यूनिवर्सल बॉस तो क्रिस गेल है, बट ये कप्तानों में अगर हम कहें, वो कप्तानों का पाप है. जो हेलीकॉप्टर शॉट के खिलाड़ी मिस्टर हेलीकॉप्टर, कप्तानों के कप्तान, बापों के बाप, लाजवाब मास्टर क्लास मास्टर प्लेयर थे यार. उनके जैसे कैप्टन कौन था? मैंने अगर मैं पिछले 70 के दशक, मतलब मैं 70 से स्टार्ट करूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े कप्तान कोई आए होंगे. स्टार्टिंग में 32 में सीके नायडू आए थे, बहुत बड़ा नाम था. 75 के बाद 83 में जब वर्ल्ड कप जीते कपिल देव, उनका एक बहुत बड़ा नाम हुआ. लाला अमरनाथ बीच में आए, अजहरुद्दीन ने भी एक कंट्रोवर्शियल मैटर हो गया. सौरभ गांगुली, हाँ मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि सौरभ गांगुली ने जिस तरीके से चीजों को बदल के गया, उसके बाद एमएस धोनी, ये बहुत बड़ा नाम था. जो ये यार ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास 2 वर्ल्ड कप है, 1 चैंपियंस ट्रॉफी है, कई सारे एशिया कप है. तो इस खिलाड़ी के बारे में मैं जितना कहूंगा उतना कम होगा. एट द लास्ट
ऑफ दिस शूट मैं यही कहूंगा कि माही भाई आप कभी अलविदा मत कहना, मेरे हमारे दिल में रहना, हमारे साथ रहना। हाँ, अब ये चीज, ये बात तो है, एक और चीज है कि अब क्या वर्ल्ड क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद एम एस धोनी लीग क्रिकेट खेलेंगे, लाइक बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया, कैरिबियन प्रीमियर लीग हो गया, लंका प्रीमियर लीग, या फिर बैश इंग्लिश काउंटी, क्या ये सब लीग मैचेस को खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? हालांकि पता नहीं, अगर हालांकि बीसीसीआई रूल तो ये कहता है अगर आपको आईपीएल खेलना है तो आपको कोई और चीजें नहीं खेल सकते, कोई और लीग नहीं खेल सकते, पर बड़े खिलाड़ी तो बड़े होते हैं। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम उनको लीग मैचेस में कंटिन्यू करते रहे। देखना, वी विल मिस हिम इन ब्लू, ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ मेन इन ब्लू एनीमोर, बट यस ऑलवेज ही विल बी चेन्नई सुपर किंग का बाप। और ये भी है कि जो चेन्नई सुपर किंग के सीईओ है मिस्टर के विश्वनाथन, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि एम एस धोनी विल बी द कैप्टन, विल बी द प्लेयर टिल 2022। सो एक ये है कि हम लोग एम एस धोनी को आईपीएल के सीजन में 2022 तक बकायदा देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बट हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप अपनी एम एस धोनी पर जितने भी इमोशंस हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए अलविदा। जैसा कोई नहीं है, बस नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा I'm not afraid to die।